दर्शन और फ्रेंड्स, आज के सूडो में मैं आपको कुछ प्रोज बताऊंगा ऑफ बजाज पल्सर RS 200 B6 वेरिएंट, एंड बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें जो आपको पल्सर RS 200 ऑफर करती है ये प्राइस सेगमेंट में, जो कि जो है बाकी आपको मैन्युफैक्चरर्स ऑफर नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट जो है मैं आपको प्रोज बता दूंगा ऑफ बजाज पल्सर RS 200 B6 वेरिएंट। एंड दोस्तों, ये वीडियो पूरा देख लेना इनकेस अगर आप RS 200 B6 वेरिएंट को बाय कर रहे हो तो। एंड कुछ लोग हो सकता है शायद यहाँ पे कमेंट करके बताए कि यार RS 200 B6 वेरिएंट अभी तक लॉन्च नहीं हुए, तूने वीडियो कैसे बना दिया। तो भाई, उन लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि RS 200 B6 वेरिएंट कब का लॉन्च हो चुका है, आप बुक कर सकते हो, बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लोगों ने डिलीवरी तक लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप वो सोच रहे हो कि बाइक लॉन्च नहीं हुआ है, तो भाई वो गलतफहमी मत रहना, बाइक कब की लॉन्च हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर, आप उनको कॉल कर सकते हो, एंड अगर पुणे में से हो तो आप भी आपकी बाइक जो है बुक करके डिलीवरी ले सकते हो। सो ये था ऑफ डिलीवरी। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, जो मुझे बजाज पल्सर RS 200 के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है, एंड जो कि RS को जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अलग स्टैंड आउट करती है, वो है इसका डिज़ाइन। बिकॉज दोस्तों, इस बाइक का लुक्स डिज़ाइन काफ़ी एरोडायनामिक टाइप रखा गया है, एंड आई थिंक कि ये बजाज की पहली बाइक है जिसको इतना अच्छा एरोडायनामिक डिज़ाइन एंड पोस्चर मिला है। एंड अगर दोस्तों ये सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ नियर अबाउट 1.5 लाख में और 200 cc सेगमेंट में, तो आपको जो है काफ़ी कम बाइक मिलते हैं जो कि एक 200 cc की बाइक हो और उसके अंदर इतना अच्छा एरोडायनामिक डिज़ाइन हो। सो फर्स्ट जो है पॉइंट हो जाता है इसके डिज़ाइन एंड लुक्स को। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेकंड प्रो के बारे में, जो मुझे बजाज पल्सर RS 200 में लगता है, वो है कि इसका इंजन एंड मेनली परफॉर्मेंस। इंजन इसलिए बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको 199 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4-valve लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि इन BS6 वेरिएंट मैक्स पावर प्रोवाइड करता है 25 bhp एट 9750 rpm, एंड मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 18.6 Nm एट 8000 rpm, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स है एक 200 cc इंजन के हिसाब से। अब दोस्तों, BS6 वेरिएंट में जो है यहाँ पे 0.5 bhp का जो पावर है वो बढ़ गया, एंड अब ये जो पावर है यानी कि अब जो ये बाइक है ये अप्रोक्सीमेटली RC 200 जितना पावर प्रोड्यूस करती है। पहले जो है 0.5 bhp कम था एज कम्पेयर टू RC, तो अब जो ये RC जितना ही पावर जो है प्रोड्यूस करती है, विच इज़ वेरी गुड इन सेगमेंट। एंड पावर की बात छोड़ भी दो तो भी इनिशियल पंच पिकअप बाइक का काफ़ी अच्छा है। इस बाइक में जो जो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स है, जो क्लच मिलता है वो काफ़ी लाइट वेट है, तो क्लच का जो बिकॉज ऑफ दिस लाइट क्लच गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी स्मूथ एंड प्रीसेट बन जाती है। ऑल्सो डाउन शिफ्ट वगैरह जो है इस बाइक में काफ़ी अच्छा है, गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा यूज़ किया है इन बजाज RS 200, एंड थोड़ा रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्मूथ है, तो ओवरऑल जो राइडिंग क्वालिटी परफॉर्मेंस बन जाता है वो काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों, इसका थर्ड पॉइंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो इसका कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर। अब दोस्तों, आप अगर ये बाइक को देखो तो आपको लगेगा ये बाइक काफ़ी स्पोर्टी है, एंड इनफैक्ट स्पोर्टी लुक है भी इसका, लेकिन इसका जो सेटिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। लाइक एक बार आप इसके सीट के ऊपर बैठ जाओ, इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी अपराइट पोजिशन पर है, तो ओवरऑल जो सेटिंग पोस्चर एंड जो राइडिंग ट्रायंगल बनता है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसी के साथ साथ आपको जो लुक्स मिलता है वो स्पोर्टी मिलता है, लेकिन जो सेटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल बनती है। तो आप एक अच्छे लुक के साथ एक जो है आपको अच्छा कंफर्टेबल पोस्चर भी मिलता है, तो आप इसको लॉन्ग राइड्स के लिए भी इजीली ले जा सकते हो। बाकी जो मेनली स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके अंदर इतना कंफर्टेबल सेटिंग पोस्चर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो आप बाइक को लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा सा मतलब ले जाने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बिकॉज अगर बाइक की सेटिंग पोस्चर ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आप वो बाइक को कंटिन्यूसली 150 या फिर 200 किलोमीटर के ऊपर जो राइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में पल्सर RS को काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट बनता है कि उसका सेटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फोर्थ प्रो के बारे में, फोर्थ अच्छी चीज़ के बारे में, पॉइंट के बारे में, वो है माइलेज। अब दोस्तों, क्योंकि इस बाइक के अंदर 200 cc इंजन है, ऑल्सो 25 PS का पावर भी मिलता है, तो ऐसे में भी ये बाइक जो है आपको माइलेज प्रोवाइड करती है 35-36 km/L, जो कि काफ़ी डिसेंट है अपने सेगमेंट में, काफ़ी मैनेजेबल है। बिकॉज एक 200 cc के इंजन में 25 PS के पावर के साथ में 35 का माइलेज प्रोवाइड करना इज़ वेरी गुड सेगमेंट, विच इज़ वेरी गुड इन सेगमेंट। सो ओवरऑल माइलेज डिलीवरी भी बाइक का काफ़ी अच्छा है। सो अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फोर्थ प्रो के बारे में, फोर्थ अच्छी चीज़ के बारे में ऑफ बजाज पल्सर RS 200 BS6 वेरिएंट, तो वो है इसका माइलेज। अब दोस्तों, इस बाइक में 200 cc का इंजन मिलता है, ऊपर से 25 PS का पावर है, 18.2 Nm ऑफ टॉर्क है, तो ये जो स्पेक से काफ़ी एक हैवी बन जाता है, स्टिल ये बाइक जो आपको माइलेज रिटर्न करती है इन सिटी वो है 36-37 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिंग यार। इतने
हैवी इंजन के साथ, इतने पावरफुल इंजन के साथ मैं 35 to 36 का माइलेज रिटर्न कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो माइलेज इस बाइक का काफ़ी प्लस पॉइंट है यार, बिकॉज अगर कोई दूसरी बाइक रहती है, यानी कि KTM की बात कर ले तो विच इज़ हैविंग क्वाइट सेम स्पेक्स, लाइक RS जितने उसको इंजन मिला है, RS जितना ही, एंड उसका भी जो पावर आउटपुट है वो भी सेम है, तो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन दोनों बाइक का सेम है। तो उसके अंदर भी जो आपको माइलेज मिलता है इन RC वो है नियर अबाउट 32-33, तो उस बाइक के अंदर भी जो आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलता है जितना RS में मिल रहा है। सो माइलेज डिलीवरी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूँ तो वो है प्राइसिंग। एज ऑफ नो पुणे में बजाज का RS 200 का BS6 वेरियंट का प्राइस आपको जाता है एक्स शोरूम, दैट इज़ 1,46,000 रुपीज़, यानी कि आपको जो ऑन रोड पड़ेगा नियर अबाउट वो पड़ेगा 1,70,000 रुपीज़ तक। अब थोड़ा बहुत सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी करता है, लेकिन एक्स शोरूम प्राइस 1,45,000 रुपीज़ है, जो कि अच्छा है। लाइक सेगमेंट में जो है अगर देखा जाए तो 1,45,000 में आपको ये कंपोनेंट्स वाली, ये स्पेसिफिकेशन वाली बाइक्स जो है नहीं मिलती है। सो प्राइसिंग काफ़ी इंप्रेस हुआ है, काफ़ी स्टैंडर्ड रखा है बजाज ने। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे अच्छा लगता है इन बजाज पल्सर RS 200, वो है इसका राइडिंग क्वालिटी ऑन कॉर्नर्स। अब दोस्तों ये बाइक जो है कॉर्नर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है, बिकॉज बजाज में कोई भी बाइक जो है मैंने इतना अच्छे से कॉर्नर को हैंडल करते हुए नहीं देखा है। लाइक जो ये सेगमेंट में बाइक आती है 220F है, NS 200 है, तो वो भी जो बाइक्स है इतनी अच्छे से कॉर्नर को हैंडल नहीं करता है जितनी RS 200 करती है। अब मे बी बिकॉज ऑफ दैट पोस्चर, जो राइडिंग पोस्चर इस बाइक को मिला है, जो डिज़ाइन मिला है, उसको जैसे शायद ये बाइक जो है कॉर्नर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। तो इन केस अगर आपको बाइक के ऊपर लीनिंग करना है, कॉर्नरिंग करना है, तो उसके लिए ये बाइक काफ़ी परफेक्ट है ये सेगमेंट में। सो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि बजाज RS की कॉर्नरिंग बाइक की काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों अगर बात कर लो एक अनदर प्रो के बारे में, वो है इसका हेडलैम्प्स। दोस्तों बजाज के अंदर RS में आपको जो है काफ़ी पहले से ही प्रोजेक्टर लैंप्स मिलना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि ड्यूअल प्रोजेक्टर है, जब भी इसको लॉन्च किया था तभी मिलता था, एंड तब काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर्स थे जो आपको मतलब एक ड्यूअल प्रोजेक्टर सेटअप दे, और RC थी उस वक्त, लेकिन RC को छोड़ के कोई ऐसी खास बाइक नहीं थी ये सेगमेंट में जो आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर करे। अब दोस्तों इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है काफ़ी पावरफुल है, एंड इसके जो ब्राइटनेस है लाइट्स की काफ़ी सही है, तो रात को अगर आप लॉन्ग डिस्ट जाते हो या फिर कहीं पर भी अगर ट्रैवल करो जब पे लाइट्स कम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज RS के हेडलैम्प्स काफ़ी पावरफुल है। सो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट RS का कि आप जो है रात को भी अगर राइड करते हो तो आप जरूर एंजॉय करने वाले हो। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रो ऑफ बजाज पल्सर RS 200 BS6 वेरियंट, दैट इस बाइक के अंदर आपको ड्यूएल चैनल बेस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है December 2019 में ही ड्यूएल चैनल बेस का अपडेट मिल गया था इन बजाज पल्सर RS, तब जो है BS6 वेरियंट लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल आपको जो है ड्यूएल चैनल बेस वेरियंट मिलता था, ऑप्शनल था। अब BS6 में जो आपको ड्यूएल चैनल बेस वेरियंट भी मिलता है, सो ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अगेन इन दिस प्राइस सेगमेंट आपको काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर्स है जो ड्यूएल चैनल बेस वेरियंट ऑफर करती है। लाइक अपाचे की RTR है 200 जो ड्यूएल चैनल बेस देती है, एंड काफ़ी कम NS में आपको नहीं मिलता है, 220F में नहीं मिलता है। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक जो है काफ़ी अच्छी बन जाती है, बिकॉज ड्यूअल चैनल एबीएस है, एंड इन स्पेसिफिकली ड्यूअल चैनल एबीएस वेरिएंट बजाज के जो ब्रेकिंग है RS के वो थोड़े से इंप्रूव हुए, बाकी जो नॉर्मल डिस्क वाले वेरिएंट थे जिसके अंदर ABS नहीं था या फिर जिसके अंदर सिंगल चैनल ABS था, उसकी ब्रेकिंग जो है अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं थी। सो वो एक है जिसमें बजाज ने अभी इंप्रूव किया है। सो बस दोस्तों ये मेरे कुछ प्रोस थे जो मुझे लगे जो मैंने आपसे शेयर किए अबाउट बजाज पल्सर RS 200 BS6 वेरिएंट। एंड अब दोस्तों बता देना यार कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है अबाउट RS, स्पेसिफिकली अबाउट BS6 वेरिएंट। वैसे कोई खास चेंजेस नहीं है यार BS4 और BS6 में, आप सभी को भी पता है स्टिल। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यार इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लो ताकि हम वहाँ से कनेक्टेड रह पाए। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, फॉलो लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अच्छा दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम सब बाइक रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं, तो इन केस अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से हम ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं, एंड सो जो है फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। तो ग्रुप्स की भी जो ज्वाइनिंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो वहाँ से आपको जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो बस दोस्तों मैं मिलूंगा कल आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।